अभी क्या हो रहा है ना, 15 to 25 वाले रेंज है. अब द प्रॉब्लम विद करंट अफेयर्स इज कि इट इज वेरी वास्ट. सो मोस्ट ऑफ अस तो हमको यही समझ नहीं आता कि क्या करें और क्या छोड़े, है ना. व्हाट टू बी डन एंड व्हाट नॉट टू बी डन, एंड दैट इज द मेजर क्वेश्चन दैट यू नो इज देयर इन ऑल, लाइक इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ अस. अनदर प्रॉब्लम इज, आई वुड से यू कुड से बैड पार्ट और गुड पार्ट इज कि करंट अफेयर्स एक ऐसा मतलब यहाँ पर सेक्शन है विच कवर्स 25% ऑफ योर एग्जाम. ठीक है, 25% ऑफ योर एग्जाम एंड इट बेयरली टेक्स 10% ऑफ योर टाइम. ठीक है, चलो तो 25% ऑफ योर एग्जाम. ठीक है, 25% आपका एग्जाम जो है दैट इज गोइंग टू बी कवर्ड बाय करंट अफेयर्स एंड इट विल ओनली टेक 10% ऑफ योर टाइम. उसमें आपको 10% आपका टाइम लगेगा, 10 से 12 मिनट लगते हैं करंट अफेयर्स करने में. तो अगर आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है तो स्ट्रॉन्ग सेक्शन में क्या होता है, अगर आप मान लो उसमें 30-35 नंबर स्कोर कर पाए तो इट गिव्स यू अ ग्रेट बूस्ट टू योर एग्जाम. क्योंकि अब क्या है कि मान लो अपन 100 का टारगेट कर रहे हैं, है ना, और इसमें हम लाए तो चलो 30 भी ले आए तो पूरे पेपर में बाकी मिला के हमको 70 लाने हैं. ठीक है, पूरे मतलब उसमें मिला के हमको 70 मार्क्स लाने हैं. तो इट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि हमको 70 मार्क्स को मतलब 70 मार्क्स को इजिली ला पाए अगर हमारे यहाँ पर 30 आ रहे हैं. बिकॉज अगर यहाँ पर हमारे 20 ही आ रहे हैं ना तो टाइम इसमें इसमें बेस्ट पार्ट क्या है, बाकी सारे सेक्शन में क्या होता है ना कि अगर मान लो आप इंग्लिश कर रहे हो तो इंग्लिश में आपने 5 पैसेजेस करे तो आपके 5 पैसेजेस के हिसाब से नंबर आएंगे. अगर आप 7 पैसेजेस कर लोगे तो आपको टाइम उतना 10-12 मिनट ऊपर लग जाएगा. यहाँ पर तो आप कितने भी कर लो आपको टाइम उतना ही लगेगा क्योंकि आप क्वेश्चन पढ़ोगे और उसमें उतना ही टाइम लगता है पढ़ने और करने में इसमें. तो इसकी बेस्ट बात यह है. ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, आप क्या समझ सकते हो यहाँ पर कि सबसे कम टाइम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस करने के लिए वो करंट अफेयर स्ट्रांग होना चाहिए. बट द प्रॉब्लम विद करंट अफेयर्स इज कि आप क्या करो क्या छोड़ो. तो लेट मी मेक यू गाइस अंडरस्टैंड दैट. देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं प्रायोरिटी टॉपिक्स. ठीक है, एंड दीज आर लाइक ब्रॉड टॉपिक, मतलब मैं ऐसे आपको टॉपिक पर्टिकुलरली नहीं बता रहा. पहले सारे जो भी टॉपिक नेशनल है मतलब बेसिकली इंडिया से रिलेटेड है वो करने ही करने हैं. ठीक है, यू हैव टू लाइक डू दीज थिंग्स, करने ही पड़ेंगे. सेकेंड, दोज इंटरनेशनल टॉपिक्स विच हैव अ नेशनल एलिमेंट, बेसिकली दैट इज समथिंग रिलेटेड टू इंडिया, है ना, कुछ इंडिया से रिलेटेड है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, हाँ, सीए में 1-2 मिनट पर पैसेज लगता है, दैट इज लाइक अ वेरी यू कुड से टाइम एफिशिएंट सेक्शन है ये. ठीक है, ओके, टीओआई मत पढ़ो. ऐसा नहीं है कि टीओआई से कुछ नहीं आता है, बट टीओआई मत पढ़ो. अगर आप इसके लिए पढ़ रहे हो तो रीड द हिंदू, और द हिंदू अगर अवेलेबल नहीं है तो द इंडियन एक्सप्रेस, दीज आर टू गुड न्यूज पेपर, इनसे काफी सारे क्वेश्चन बन के आते हैं. डोंट रीड द टीओआई. ठीक है, टीओआई इज मोर लेस फॉर एडवर्टीजमेंट. ठीक है, तो यहां पर इंटरनेशनल विद अ नेशनल एलिमेंट. उसके बाद में मोस्ट इन न्यूज टॉपिक्स. अब मोस्ट इन न्यूज टॉपिक्स कौन से होते हैं, आपने ना कभी भी कोई उठाकर देखो आप पिछले 2 साल का क्वेश्चन पेपर, वही टॉपिक सबसे ज्यादा एग्जाम में आए हैं जो लास्ट के 3-4 महीने में न्यूज पेपर्स में थे. तो वॉट यू कैन डू इज यू कैन मे बी कीप अ ट्रैक ऑफ टॉपिक्स जो बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं. उन टॉपिक्स का अगर ट्रैक रहेगा ना, इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू रिवाइज देम एट द एंड एंड बेसिकली टू अंडरस्टैंड एज टू व्हाट टॉपिक्स कैन क्लैट ऑल्सो यू नो आस्क और डिस्कस. तो सबसे ज्यादा इन न्यूज टॉपिक हमें देखने पड़ेंगे. अब दिस इन न्यूज कैन इंक्लूड नेशनल टॉपिक्स ऑल्सो एंड सर्टेन इंटरनेशनल टॉपिक्स ऑल्सो. अभी इंटरनेशनल टॉपिक्स, व्हाट इंटरनेशनल टॉपिक्स आर इन न्यूज, अभी तो मेनली हम रशिया यूक्रेन की बात कर रहे हैं, है ना. रशिया यूक्रेन से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हैं. ठीक है, रशिया यूक्रेन से रिलेटेड फिर मतलब यू यूएस वाली एलएनजी डील भी है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं इससे रिलेटेड, राइट. तालिबान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल टॉपिक, यस, यू कैन यू शुड डेफिनेटली डू दिस, extremely important. So all these things are very important now. Okay. Whereas national topics, तो I don't need to tell you. National topics मैंने आपको पहले यहाँ भी बता दिया. लेकिन अगर सबसे ज्यादा आप इन न्यूज पकड़ सकते हो किसी चीज को, ठीक है, इन न्यूज किसी चीज को पकड़ सकते हो, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, हाँ, सब इंपॉर्टेंट है. FATF इज इंपॉर्टेंट, श्रीलंका क्राइसिस इंपॉर्टेंट, है ना, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. क्योंकि देखो FATF तो ये वाला इंटरनेशनल टॉपिक है विद अ नेशनल एलिमेंट, बिकॉज इंडिया इज ऑल्सो अ पार्ट FATF में. श्रीलंका इज अ नेबर टू अस एंड वी आर गोइंग टू हेल्प श्रीलंका. इनफैक्ट वी हैव हेल्प श्रीलंका अभी रिसेंटली ऑल्सो. तो ऑल दीज कंट्रीज, ऑल दीज टॉपिक्स आर दोज इंटरनेशनल टॉपिक्स दैट हैव अ नेशनल एलिमेंट.
तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है।